नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोस्टिंग रिव्यू में। तो गाइज आज का जो वेब सीरीज है वो बहुत ही धमाकेदार, मजेदार और मसालेदार होने वाला है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और मैं आपको ये भी बात बताता हूँ कि कोई भी वेब सीरीज हो, चाहे उल्लू की हो, रैबिट की हो, कुकू की हो, नेटफ्लिक्स की हो, हॉट मस्ती की हो, सिने प्राइम की हो, या फिर फिनियो मूवीज का हो, या फिर बूम मूवीज का हो, या फिर सिने प्राइम का हो, किसी भी वेब प्लेटफॉर्म का वेब सीरीज हो, वो कैसे अपने मोबाइल में देख सकते हैं उसका भी तरीका, उसका भी सोल्यूशन, उसका भी निदान बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट में या फिर वीडियो के बीच में भी बता सकता हूं, तो वीडियो को स्किप बिना किए यानी कि बिना भगाए हुए आप लोग कंटिन्यूस इस वीडियो को फुल देखिए एंड तक। तो चलिए आज का जो वेब सीरीज है जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूं, उस वेब सीरीज का नाम है पत्र पेटिका पार्ट 2। तो गाइज अभी तक आप लोगों ने पत्र पेटी का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका भी वीडियो मैंने डाल रखा हुआ, उसका भी मैंने रिव्यू कर दिया है, तो वो भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन चलिए आज जो पार्ट 2 का वेब सीरीज का मैं रिव्यू करने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यार आप लोग मतलब कि और यार आप लोग मतलब कि एक लाइक नहीं करते हैं तो एक लाइक भी जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट पूरे यूट्यूब पर छान मारिए कहीं नहीं मिलने वाला है, जो मतलब कि वेब सीरीज का अपडेट भी देता हो और आप लोग को समाधान भी बताता हो कि कोई भी वेब सीरीज हो वो फुल वेब सीरीज अपने मोबाइल में कैसे देख सकते हैं। तो एक लाइक जरूर बनता है, और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इस मतलब कि पत्र पेटिका पार्ट 2 में आप लोग को देखने को क्या मिलेगा। तो गाइज इसमें आप लोग को क्या अच्छा है क्या बुरा है सब चीज़ मतलब कि एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तो सिर्फ इसका ट्रेलर आया है, और ये जो रिलीज होगा 1 अप्रैल यानी कि फुल डे के दिन यानी कि 1 अप्रैल को रिलीज हो जाएगा उल्लू के प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर आप लोग आसानी से देख सकते हैं यदि आप सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो, ठीक है। और अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं तो उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे आप लोग वेब सीरीज देख सकते हैं। तो इसमें मतलब कि क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो गाइज फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि जो डाकिया वाला रहता है और वहाँ के जो एक औरत रहती है मतलब कि उसका पति हमेशा शहर में रहता है, तो उन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है ये देखने को मिलेगा। लेकिन पार्ट 2 में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कोठे वाली जो रहती है उसको मतलब कि पंचायत में जो मुखिया रहता है वो मुखिया मतलब कि कोठे वाली को कैसे वहाँ से भगाने के प्रयास करता है, मतलब उसका हुक्का पानी सारा चीज़ बंद करा देता है। तो ये पार्ट 2 में आप लोग को देखने को मिलेगा कि मतलब कि उसका जो कोठे वाली का है वो उसके पीछे मतलब कि हाथ धोकर ये जो मुखिया है वो पड़ा रहता है, और उसका मतलब कि वहाँ पर वो जो कोठा वाले जो रहता है वो कोठा जो होता है ना कि मतलब कि वहाँ पर रहने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये जो कोठे वाली रहती है ये उसको कोठा बना देती है, और वहाँ पर कोठे वाली पर जो मतलब कि बना तो देती है लेकिन वहाँ पर जिस्म का कोई भी सौदा नहीं होता है, मतलब कि वहाँ पर जिस्म का कोई भी सौदा नहीं होता है, सिर्फ मतलब कि एंटरटेन करने के लिए लोगों को मतलब कि बहलाने के लिए वो मतलब कि डांस वांस करती है, बाकी कुछ नहीं वहाँ पर होता है, वो कोठा इस तरह का बनाया हुआ होता है। लेकिन फिर भी वहाँ के जो नया जो लेकिन फिर भी जब नया मुखिया चुनाव होता है तो नया मुखिया जो आता है वो उसके पीछे पड़ा रहता है क्या कि इसको इस कोठे को मतलब कि बंद कराना है। अब ये जो बंद कराने का तरीका जो अपनाता है मतलब कि मारपीट भी सारा चीज़ होता है, एक्शन भी है इसमें कि कैसे बंद कराता है, जो राशन लेने जाती है वहाँ भी मतलब कि दुकानदार से मना करा देता है क्या कि राशन उन लोग उन कोठे वाले को जो मतलब कि रहने वाली है उन लोगों को राशन भी नहीं देना है, और कुआं से पानी जो भरने जाती है वहाँ भी कुआं का पानी भी उन लोगों को नहीं देना है, ये सारा चीज़ पर बैन लगा देता है, तो वहाँ से वो लोग नहीं ले पाती हैं, जिसके कारण से वहाँ के दो और मतलब कि जो कोठे वाली रहती है जो मेन मालकिन रहती है कोठे वाली की उनके साथ मतलब कि दो लड़कियाँ भी रहती हैं जो अपने घर का देखभाल करने के लिए वहाँ पर कोठे का मतलब कि इंटरटेन कराती हैं, तो उन लोग मतलब कि अब कैसे सोचती है क्या करती हैं कैसे कोठा वाली को बचाती हैं मतलब कि कोठा कैसे बचेगा इसके बारे में तिकड़म लगाती हैं ये तीनों, मतलब कि पूरा एकदम एरी चोटी का जोर लगा देती हैं कि किसी भी तरह से उस कोठे को मतलब कि बंद ना हो और वहाँ का कोठा जो हो वो उस स्थान को भी मतलब कि वो बदले ना। तो ये सारा जो चीज़ है ये सिर्फ आप लोग को ये पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इतना ही ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे मतलब कि क्या क्या वो मतलब कि कोठा बचा पाती है या फिर वहाँ से निकल जाती हैं या फिर क्या होता है, ये तो फुल वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। और हमको लगता है कि इसमें आप लोग को 2 एपिसोड देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो था वो 3 एपिसोड का बना हुआ था, 1 घंटा 7 मिनट का था, लेकिन इसमें हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद यही है कि इसमें 2 एपिसोड देखने को मिलेगा कि कैसे वो मतलब कि अपना कोठा बचाती है या बचा
छा पाती है या क्या करती है। तो ये फुल वेब सीरीज आप लोग जब मंगाइएगा यानी कि देखिएगा तब पता चलेगा। तो गाइज अब मैं बता देता हूँ कि कोई भी वेब सीरीज वो अपने मोबाइल में कैसे मंगा कर देख सकते हैं। करना क्या है भैया, करना कुछ नहीं है, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर टेलीग्राम का नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके कोई भी वेब सीरीज हो, चाहे उल्लू की हो, रैबिट की हो, कुकू की हो, नेटफ्लिक्स की हो, हॉट मस्ती की हो, सिने प्राइम की हो, या फिर फिनियो मूवी की हो, फ्लीज मूवी की हो, किसी भी मतलब कि प्लेटफॉर्म के वेब सीरीज आप लोग आसानी से मंगा कर देख सकते हैं। भैया आप लोग मतलब कि करते क्या हो यार, मतलब कि सब प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो और किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन मतलब कि किसी भी तरह का मतलब कि वेब सीरीज अपलोड होता है वहीं सब देखने के लिए करते हैं, थोड़ी ना है। और उल्लू वालों ने तो मतलब कि सीन बहुत ही कम कर दिया है, तो आप लोग अच्छा अच्छा सीन भी देखना चाहते हैं तो अच्छा अच्छा सीन वाला भी आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और मजा उठाइएगा, मस्ती कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उल्लू वालों ने बहुत ही मतलब कि काट रखा है सबका और सब्सक्रिप्शन लिए हैं भैया, तो आप लोग तो मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, लिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बीच बीच में एक काट भी देता है। अभी एक और आया था लापड़, उसमें मतलब कि एक छोटा सा बच्चा का स्टोरी मतलब कि दिखाया गया है। अब ये छोटा सा बच्चा का स्टोरी देखने के लिए उल्लू का सब्सक्रिप्शन तो लिया नहीं गया है ना, जो पहले दिखाया जाता था ना, मतलब कि जितने भी सारे वेब सीरीज पहले आती थी उल्लू के प्लेटफॉर्म पर, वो बहुत मतलब कि उसमें सीन होता था और बहुत ही मज़ा भी आता था देखने में और स्टोरी भी होती थी कुछ खास, जो मतलब कि सुनने और देखने में भी मज़ा आता था। लेकिन अब जो हो ना, मतलब कि उल्लू वालों ने ऐसा क्या कर दिया है कि मतलब कि एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसका नाम है वूवी ऐप। वहाँ पर मतलब कि अब जो भी सीन होगा ना वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो उस पर भी जो भी जब आएगा तो उसका भी मैं अपडेट दे दूँगा, ठीक है। और इस तरह का कंटेंट भैया पूरे यूट्यूब पर आप छान मारिए, कोई नहीं देने वाला है, यकीन कीजिए कोई नहीं देने वाला है। जो क्या बोला तूने, सब मतलब कि अपडेट भी देता हो, रिव्यू भी करता हो और आप लोग को वेब सीरीज भी प्रोवाइड कराता हो, तो एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। और आप आसानी से कोई भी वेब सीरीज का अपडेट हो वो भी देख लें, और वेब सीरीज भी देखना चाहते हैं तो उसका भी सोल्यूशन बता दिया कि कैसे देख सकते हैं, जो टेलीग्राम का नंबर दिया गया है उनसे कॉन्टैक्ट करके बात करके आप लोग आसानी से मंगा सकते हैं, मैसेज करके ही, क्योंकि कॉल लगने वाला है नहीं, तो मैसेज चैट करके ही बता सकते हैं। और अपना ही जो भी नाम याद है तो नाम बता दीजिए, या फिर फोटो जानते हैं तो सिर्फ उनको फोटो सेंड कर दीजिए, वो बता देंगे कि कौन कौन सा वेब सीरीज है ये, और आप लोग को आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा और आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही कम चार्ज में, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले हॉट वेब सीरीज रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।